तो दोस्तों, 2 फरवरी से पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला है। दोस्तों, इसकी मैं पूरी लिस्ट दिखाता हूँ, कब से और कहाँ तक कौन सी ट्रेनों का किराया है, कितना किराया है और कहाँ से कहाँ तक का किराया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने लगा कि कौन सी ट्रेनें जो लॉकडाउन से पहले बंद थी और वो चालू होने वाली है। तो दोस्तों, उनका किराया भी कुछ अलग प्राइस रखा गया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आपको इस वीडियो में कि कौन सी ट्रेन कब से और कहाँ से चालू होने वाली है। 2 फरवरी से ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन से ट्रेन का क्या किराया और कहां से कहां तक जाने वाली है, उन पे किराया क्या रखा गया है, उनके नियम कानून क्या है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं, इन वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को इस पर दोस्तों रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ आगे। दोस्तों, 2 फरवरी से कुछ ट्रेनें चलने वाली हैं जो पैसेंजर ट्रेनें हैं। तो दोस्तों, 2 फरवरी से पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा और इसकी लिस्ट भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, पैसेंजर ट्रेनों से सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर। दोस्तों, दक्षिणी पूर्व रेलवे ने टाटा नगर स्टेशन रोड चक्रधरपुर डिवीजन में कई स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रही है। दोस्तों, यात्रीगण इस ट्रेन से टिकट लेकर सफर कर सकते हैं और भी 2 फरवरी से। तो दोस्तों, रेलवे द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी से टाटा मेमो ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। तो दोस्तों, 10 महीने बाद फिर से पटरी पर दौड़ेगी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका किराया कुछ अलग है। सो 10 महीने बाद फिर पटरियों पर दौड़ेगी तेजस, जिसका किराया तय हो चुका है। और दोस्तों, देश की प्रथम प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस एक बार फिर पटरियों पर दौड़ने जा रही है। दोस्तों, बीते सालों में कोरोना महामारी के आगमन के बाद से ही ट्रेन का ऑपरेशन बंद कर दिया गया था, ये शायद सब लोग जानते हैं। अब तकरीबन 10 महीनों बाद यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का संचालन फिर से आरंभ किया जा रहा है। इस प्राइवेट ट्रेन का संचालन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट IRCTC करता है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ जानकारी मैं और बता देता हूं आपको। कोरोना महामारी के महामारी के बाद ट्रेनों में यात्रियों की तादाद बहुत कम हो गई थी सफ़र करने की। उसके बाद जब कोरोना महामारी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, अभी अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद से जनजीवन पटरियों पर भी रुटने थे। कीड़े मकोड़े जैसे जो भी होते हैं सारे पटरियों पर आ गए थे। जब से देश में वैक्सीन का आगमन हुआ है, अब लोगों को कोरोना की दहशत बहुत कम हो गई है दोस्तों, और लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं। इस लिहाज से मुसाफिरों को एक सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए रेलवे ने कुछ IRCTC ने तेजस एक्सप्रेस के 14 फरवरी से संचालन की घोषणा की है। दोस्तों, जल्दी आ रहा है 14 फरवरी, बोले तो कुछ दिनों बाद 14 फरवरी आने वाला है। उसके बाद तेजस एक्सप्रेस फिर से चालू होने वाली है। तो दोस्तों, इसकी बुकिंग 30 दिन पहले से ही चालू हो चुकी है और 14 फरवरी के लिए बुकिंग चालू हो चुकी है। दोस्तों, चालू है लखनऊ और दिल्ली के माध्यम से चलने वाली ट्रेन की बात करें तो दोस्तों उनके ट्रैक कुछ इस प्रकार रखा गया हुआ है। दोस्तों, तेजस एक्सप्रेस ट्रेन नंबर भी है 82501। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं किराए की। जो 2021 में तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का किराया तय किया गया, जो ट्रेन दिल्ली से कानपुर तक का किराया है 780 रुपये, जो भी 2021 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, इससे किराया है। और अब बात कर ले तो दोस्तों, लॉकडाउन से पहले का भी किराया मैं बताऊंगा इस ट्रेन का कितना था, और ये तो है 2021 का 770 रुपये हो गए दिल्ली से कानपुर तक का। और दिल्ली से लखनऊ तक के किराए की बात करें तो 870 रुपये हैं दोस्तों, ये हो गया 2021 से किराया 870 रुपये। और अब बात कर लेते हैं लॉकडाउन से पहले इसका क्या किराया था। तो दोस्तों, लॉकडाउन से पहले की बात करें तो लखनऊ से दिल्ली के लिए ऐसी किराया था, ऐसी का जो चार्ज लिया जाता था 1125 रुपये था। और वहीं पर बात करें एग्जीक्यूटिव चेयर कार की तो 2310 रुपये था। तो दोस्तों, ये था लखनऊ से नई दिल्ली की जो दो लॉकडाउन से पहले की किराया है ये। और एग्जीक्यूटिव चेयर की बात करें तो 2310 रुपये है। और फिर बात करते हैं नई दिल्ली से लखनऊ के लिए यात्रियों से कितना किराया लिया जाता था। तो दोस्तों, नई दिल्ली से लखनऊ के लिए यात्रियों से बात करें, यात्रियों की किराए की बात करें तो 280 रुपये लिया जाता है। और वहीं पर एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए ले जाता है तो 2450 रुपये। तो दोस्तों, एक्सप्रेस तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से कानपुर जाने वाले यात्रियों के लिए चेयर कार के लिए 320 रुपये और कार्यकारी कार के लिए बोले तो 650 रुपये का टिकट खरीदना होता था जो लॉकडाउन से पहले का है। ये 630 रुपये का टिकट खरीदना होता था। लखनऊ से गाजियाबाद तक किराए की बात करें तो 1125 रुपये। और कार्यकारी कुर्सी के लिए बात करें तो 2310 रुपये हैं। दिल्ली से कानपुर तक कुर्सी की बात करें तो
तो दोस्तों इसके वाहन क्षमता की बात करें तो 758 यात्रियों की बताई जाती है। तो दोस्तों ये थी रेलवे से कुछ जुड़ी जानकारियाँ जो लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद जो फरवरी में अभी ट्रेनें चालू होने वाली हैं ये उनकी जानकारी थी। तो दोस्तों तेजस एक्सप्रेस की किराया बहुत कम रखा गया है अभी इससे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी ट्रेन है ये तेजस एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही जानकारी में। तब तक के लिए बने रहिए डीके बॉल यूट्यूब चैनल के साथ।